हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी धमाका 98। और जैसा कि आपको पता है कि प्राविधिक कला का एग्ज़ाम देने के बाद अब आपको जुट जाना है टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आर्ट्स में आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो आप अगर अभी से तैयारी में जुटेंगे तब जाकर ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए, जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन तक करा लिए हैं विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक। ज़्यादातर क्वेश्चनों की आपको ट्रिक बताई गई है, जिससे आप बड़े आराम से उनको याद कर पाएँ। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं, तो आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो अब की बार टीजीटी या फिर पीजीटी आपको क्वालिफाई हम ज़रूर करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 बोला गया है हमसे यहाँ पर, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, विंध्यांचल की पहाड़ियों में या गंधमर्दन की पहाड़ियों में। तो बेसिकली भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो हैं हमारे यहाँ पर विंध्यांचल की पहाड़ियों में। बाकी कोर्स के अंदर इन सभी की ट्रिक भी आपको बताई गई है, पिछली दो वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ट्रिक हर एक क्वेश्चन पर काम करती है। क्वेश्चन 62 देखेंगे, हंस दमयंती के चित्रकार कौन है, KCS पनिक्कर, KK हेब्बार जी, MF हुसैन जी या राजा रवि वर्मा जी। तो बेसिकली हंस दमयंती के जो चित्रकार हैं वो हैं हमारे यहाँ पर राजा रवि वर्मा। इन्होंने ही सर्वप्रथम इंडिया में लिथोग्राफी प्रेस का भी प्रारंभ करवाया था। जन्म केरल के किलिमन्नूर में इनका होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन 63, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां किसकी हैं। पहली बात तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं और चालुक्य शासकों द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। गुफा संख्या 16 में शिवलिंग है, लेकिन छवियां जो देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी, क्योंकि आपको पता ही होगा जहाँ शिवलिंग होता है वो शिव परिवार तो रहता ही रहता है वहाँ पर, परंतु साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही रहते हैं। महेश ही वैसे शिव हैं, नॉर्मली देखा जाए तो ब्रह्मू विष्णु और लक्ष्मी देवी भी वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। तो जो एलोरा की गुफा संख्या 16 है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी के चित्र। क्वेश्चन 64 बोला गया है हमसे यहाँ पर, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महाभारत करती है, पंचतंत्र करती है, रामायण करती है या फिर बौद्ध जातक कथाएं करती है। तो अजंता गुफा जो है पूरी बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस वजह से बौद्ध जातक कथाएं वहां पर जो है देखने को हमें मिल जाती हैं। क्वेश्चन 65 बोला गया है हमसे यहाँ पर, उस जगह का नाम बताइए जहाँ भारत कला भवन स्थित है। जयपुर में है, बनारस में है, भोपाल में है या फिर लखनऊ में है। तो भारत कला भवन बेसिकली बनारस में है, वाराणसी भी बोलते हैं हमें से, और ऑप्शन में बनारस देखे तो बनारस भी सही माना जाएगा। तो भारत कला भवन बनारस यानी कि भोपाल में, भोपाल तो भारत भवन है, ठीक है ना। अब भारत भवन की बात करोगे आप केवल, यहाँ पे हमने कला हटा दिया, भारत भवन, तो भारत भवन है हमारा भोपाल में, जबकि भारत कला भवन है हमारे यहाँ पे बनारस में, ठीक है। क्वेश्चन 66 बोला गया है हमसे यहाँ पर, बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तिस घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या अवधेश मिश्र से। तो बेसिकली जो बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है वो है हमारे यहाँ पर अवधेश मिश्र के साथ में। क्वेश्चन 67 बोला गया है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, बादामी में या फिर हम्पी में। तो जो हमारा पल्लव वंश की राजधानी थी वो थी हमारे यहाँ पर कांचीपुरम में स्थित है, कांचीपुरम याद रखेंगे, नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। बाकी जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हर एक डाटा उनके पास PDF फॉर्मेट में पहुँचाया करेगा। आगे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है पणजी में, नई दिल्ली में, जोधपुर में या फिर जयपुर में। तो बेसिकली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है हमारा नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जयपुर हाउस, तो जयपुर हाउस के अंदर है। परंतु मेन जो अगर हम बात करें किस जगह पर है तो वो है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जयपुर ना लिख के जयपुर हाउस लिखा होता
तो जयपुर हाउस हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट भी। क्वेश्चन 69, चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो बेसिकली जो एम एफ हुसैन है, एम एफ हुसैन, इनको घोड़ों का चितेरा भी कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन 70 देखेंगे, बोला गया है हमसे यहाँ पर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है, या फिर कुषाण काल का है? तो बेसिकली विष्णु धर्मोत्तर पुराण की अगर आप बात करो तो वो है हमारे यहाँ पर कुषाण काल का, याद रखेंगे कुषाण काल का ये है, नोट डाउन भी करते चलेंगे, बाकी पेड ग्रुप में सभी की ट्रिक आपको बताई जाएगी। क्वेश्चन 71, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगी मारा के भित्ती चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? बाघ गुफा कहाँ पर है हमारा? धार जनपद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। बाकी गुफा कब खोजी गई थी? 1818 में ये खोजी गई थी। अब बात ये आती है कि इन तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां, यानी कि फोटोस्टेट बोल सकते हैं आप एक तरह से, वो किसने तैयार की? तो उनका नाम है असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन 72, बाकी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अभी हमने बताया आपको 2 मिनट पहले, कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में ये जो है स्थित हैं। क्वेश्चन 73, बोला गया है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, या गढ़वाली चित्रकला? तो कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो है हमारे यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन 74, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तेल तकनीक से, लघु चित्रण तकनीक से, वाष तकनीक से, या फिर टेम्परा तकनीक से? तो जो बंगाल कला शैली है वो जानी जाती है वाष तकनीक से, याद रखेंगे। अमरेंद्रनाथ टैगोर इनकी जो है खोजकर्ता थे, खोजकर्ता का मतलब एक तरह से उन्होंने ही बंगाल स्कूल का निर्माण किया था, बनाया था। आगे क्वेश्चन 75, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा, या दिल्ली। तो उसने गुजरात को फतेह किया था और उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अब हम जानेंगे थोड़ा पेड कोर्स के बारे में, जिसमें आपको मिलेगी सफलता की पूरी गारंटी। एक बार पढ़ने के बाद नहीं पड़ेगी रिवीजन की जरूरत। किस तरह ट्रिक काम करती हैं वो पहली क्लास और दूसरी क्लास को देख के आप समझ सकते हैं। हर एक चैप्टर का आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे क्लास चल रही है, परंतु वो क्लास प्राइवेट रहेंगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, 5000 से ज़्यादा MCQ कराए जाएंगे, जो प्रबल दावेदारी रखते हैं आपके एग्जाम में आने की। हर एक डेटा का आपको नोट्स मिलेगा PDF माध्यम में, और पर्सनल डाउट सेशन रहेगा 7 दिन में से 1 दिन। अब बात ये आती है इसकी फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस है 1500 रुपये, लेकिन स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपये फीस बिल्कुल नहीं रहेगी, उनके लिए फीस रहेगी मात्र 399 रुपये। जहाँ पर वैलिडिटी 1 साल की थी, वहीं वैलिडिटी स्टार्टिंग की 25 स्टूडेंट के लिए 2 साल की रहने वाली है। 25 में से 20 सीटें पूरी फिल हो चुकी हैं, बची हुई हैं 5 सीटें। अगर आप आपके बाद TGT PGT आर्ट्स में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बैच भूलकर भी आप ना छोड़ें, क्योंकि इस बैच में जो जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको डाटा ऐसा याद हो जाएगा कि वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 7417405960 पर। क्वेश्चन 76, बोला जा रहा है हमसे यहाँ पर, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष की, नीम के वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की, या फिर शमी के वृक्ष की? तो सिंधुवासी जो पूजा करते थे वो करते थे हमारे यहाँ पर पीपल के वृक्ष की। क्वेश्चन 77, बोला गया है हमसे यहाँ पर, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी? मुगल चित्रकला प्रारंभ कराई थी अकबर ने, परंतु जहांगीर के समय वो अपने चरम पराकाष्ठा मैक्सिमम लेवल पर पहुंची थी। बाबर का कोई खास योगदान था नहीं, शाहजहां के बाद तो तबाही होने लग गई चित्रकला में, क्योंकि उसने स्थापत्य कला में अपना वो दिखाया, जहां वो जब तो ताजमहल निकल के आया उनकी तरफ से। क्वेश्चन 78, बोला गया है वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति,
संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति या वस्तु की संपत्ति, जो वर्ण होता है वो होता है हमारा प्रकाश की संपत्ति। आपने साइंस में पढ़ा होगा वर्ण प्रकाश की संपत्ति। क्वेश्चन 79, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी शैली का, बंगाल शैली का, मुगल शैली का या फिर पहाड़ी शैली का? तो जयपुर शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव हमारा रहा है वो रहा है मुगल शैली का, क्योंकि जयपुर का संबंध मुगलिया परिवार से था, अकबर और जोधाबाई आपको पता ही होगा, तो जोधाबाई जयपुर से थी और जो मुगल में थे तो वो अकबर थे, तो इसी वजह से उस पर सर्वाधिक प्रभाव वहां पे बना रहता है। क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर 80, बोला गया है हमसे यहाँ पर कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है, कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? गणेश है, शिव पार्वती है, शिवलिंग है या पार्वती है? तो अगर आप नॉर्मल मंदिर में भी जाते हैं हो शिव जी के में, तो क्या देखने को मिलता है मध्य में? मध्य में मिलता है शिवलिंग, और इसी वजह से कैलाश मंदिर के मध्य में भी क्या है? शिवलिंग है। एलोरा की गुफा की यहाँ पर बात की जा रही है, टोटल 30 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं वहाँ पर, और गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर है। छवियाँ हैं लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की, और मध्य में स्थापित है शिवलिंग। क्वेश्चन 81, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्जापुर में, बेल्लारी में, मानिकपुर में या अमरनाथ में? तो घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है हमारे यहाँ पर मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर। क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर 82, इसमें बोला गया है पंचमणि क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है? DH गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंचमणि क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो है DH गार्डन। हालांकि हंटर साहब का नाम भी आता है इसमें, परंतु आयोग हंटर साहब के बारे में कम ही पूछता है। अगर DH गार्डन ऑप्शन में ना हो तो आप हंटर साहब के बारे में लगा के आएंगे, अदरवाइज DH गार्डन ही आप याद रखेंगे, इनको आप लिखते जरूर चलें, ठीक है ना। क्वेश्चन 83, दोसाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? रामगढ़ की पहाड़ी से, हड़प्पा की पहाड़ी से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से? तो दोसाला ओड़े योगी की मूर्ति हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 84, बोला गया है हमसे यहाँ पर 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता की चित्र की प्रतियां किसने तैयार की? अजंता की बात की जा रही है, रॉबर्ट गिल ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मुकुल डे ने या पर्सी ब्राउन ने? तो बेसिकली रॉबर्ट गिल ने 1844 में सर्वप्रथम अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करी थी, रॉबर्ट गिल, नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 85, बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1818 में बाघ की गुफाएं खोजी गई थी, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कहां है मध्य प्रदेश? ये रहा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 86, बोला गया है भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आंशों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऋतु, हमें पता है कि हमारे भारत में ऋतुएं यानी मौसम 12 महीने बदलता है, तो इसलिए बारहमासा, मासा मतलब महीना, 12 मतलब 12 होता ही है, तो बारहमासा। क्वेश्चन 87, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से या इनमें से किसी से नहीं? तो बेसिकली खनिजों से जो है बनाए जाते थे मुगल शैली में रंग। क्वेश्चन 88, बोला गया है उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां क्या हैं? टर्की कॉक है, मोर मोरनी है, लाल फूलों के समूह हैं या ये सभी हैं? तो उस्ताद मंसूर को हम क्लास में पढ़ेंगे, तो उन्होंने टर्की कॉक भी बनाया, मोर मोरनी भी बनाया और लाल फूलों के समूह भी इन्होंने बनाए, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 89 को, जिसमें बोला गया है किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ होता है? हिंदू प्लस ईरानी, मुस्लिम प्लस चीनी, फारसी प्लस हिंदू या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली हिंदू प्लस ईरानी मिलके क्या बनते हैं हमारे? वो बनते हैं मुगल कला, क्योंकि हिंदू में जयपुर से, ठीक है ना, राजस्थानी शैली को बेसिकली हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एचिंग क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, वास्तु तकनीक, ग्राफिक्स तकनीक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली एचिंग जो है वो है हमारे यहाँ पर ग्राफिक्स तकनीक। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, और साथ में
अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस इंतज़ार में ना रहें कि वैकेंसी कब निकलेगी या फिर मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, तब तक आप बहुत पीछे छूट चुके होंगे, ये बात तो तय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।